अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एनालिसिस को देखना है, ठीक है। एनालिसिस करने से पहले हम एक पूरी बिल्डिंग ले लेते हैं। तो मैं पहले ज्योमेट्री में जाता हूँ, रन स्ट्रक्चर विजार्ड। हमने एक सिंपली फ्रेम जोन से वो बिल्डिंग ले लिया, ठीक है, जिसका हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर्टी दे देते हैं। ये हमने एक सेक्शन ले लिया, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्टी असाइन टू व्यू करके असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं साइड व्यू में। साइड व्यू में जाने के बाद नोड सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे स्पोर्ट्स देंगे। स्पोर्ट ने डिफाइन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ फिक्स स्पोर्ट, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके ये हमने इसको स्पोर्ट्स भी दे दी और मटेरियल भी हमने डिफाइन कर दिया, सेक्शन भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको आगे फर्दर इसका एनालिसिस करना है हमने, तो हम पहले इसका लोड डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो लोड्स एंड डेफिनेशन में जाएंगे, लोड केसेस डिटेल में जाएंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने लोड ऐड करने हैं, सबसे पहले डेड लोड ऐड करेंगे, लाइव लोड ऐड करेंगे, तो जो जो लोड हमारे इसके ऊपर आ रहे होंगे हम वो लोड ऐड करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लोड कम्बिनेशन ऐड करने हैं, तो लोड कम्बिनेशन डिफाइन करेंगे हम। अपने कोड के मुताबिक जो हमारा कोड है, तो जो इसको हम फॉलो कर रहे हैं हम उसको देखते हुए हम लोड कम्बिनेशन डिफाइन करेंगे। तो मैं अभी 1.2 डेड और 1.6 लाइव ले रहा हूँ। इसको ऐड कर देता हूँ। अब हमने डेड लोड डिफाइन करना है पहले, तो डेड लोड में जाएंगे हम। अभी पहले सेल्फ वेट ऐड करेंगे हम, जो कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। जो भी हमने लोड ऐड करने हैं वो नेगेटिव की फॉर्म में ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक्सिस है वो ऊपर की जानब वाई पॉजिटिव है। तो अगर हम पॉजिटिव में करेंगे तो लोड की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, हमें लोड की डायरेक्शन डाउनवर्ड रखनी है। तो हम नेगेटिव का जो है वो नेगेटिव साइन साथ यूज़ करेंगे। तो ये सेल्फ वेट आ गया। उसके साथ हमने अभी मेम्बर का जो उसके ऊपर जो सुपर इम्पोज डेड लोड आ रहा है, यूनिफॉर्म लोड, हमने अभी वो ऐड करना है। लेट्स सपोज -34 ही मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोड कैलकुलेशन के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसके ऊपर जाकर लोड कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज्यूम वैल्यू लेकर चल रहा हूँ, तो बाद में हम जब एक नया मॉडल लेकर चलेंगे तो उसको हम प्रॉपरली तौर पर उसके लोड जोन से है वो हम कैलकुलेट भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो ये हमने लोड ले लिया, ऐड कर देंगे इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म लोड आ गया। यूनिफॉर्म लोड कौन सा लोड है? यूनिफॉर्म लोड हमारा वाल का लोड है, जिसको हम UDL कहते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हमने जो है वो यूनिफॉर्म मोमेंट ऐड करना वो भी ऐड कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे लोड हैं ये हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज करता हूँ मैं। अब हमें सेल्फ लोड असाइन करेंगे पहले हम, तो हम यहाँ पे जाएंगे असाइन टू व्यू। सेल्फ लोड तो सभी के ऊपर आएगा, ठीक है। तुम्हारा ये आ गया। तो उसके बाद हमने अभी ये वाला लोड लगाना है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म लोड हमने लगाना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पर लगाऊँ, तो मैं यहाँ पर लोड लगाऊँगा साइन टू कर्सर यूज़ करते हुए कि मैंने वो यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका लोड लग गया। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये लोड जोन्स है वो सारी वालों के ऊपर लगाऊँ, ये सेपरेटली लगाने की बजाय मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सभी के ऊपर लगाऊँ, इसका ए तरीका
दूसरा इसका तरीका ये है लोड लगाने का कि मैं यहाँ पे साइड व्यू में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो असाइन टू सेलेक्ट बीम करता हूँ, तो ये असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो 3D में जाएंगे तो ये देखिए सभी के ऊपर जो है वो ये लोड लग गया है। उसके अलावा इसके ऊपर अभी जो लोड और आ रहा है वो रूफ़ का जो है यहाँ पे ये रूफ़ के ऊपर जो पैरापिट वॉल है उसका भी लोड इसके ऊपर आएगा, तो हम वो भी इसके अंदर ऐड करते हैं। ऐड इसके ऊपर आए माइनस 3 जोन्स है, हमने इसकी थिकनेस जोन्स है 0.15 रखी है, इसकी हाइट 1 मीटर रखी है, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है उसको 20 से मल्टीप्लाई किया है इस सब को, तो हमारे पास ये -3 आया है, तो मैं इसको ऐड करूँगा। हमारे लोड जोन से है वो डिफाइन हो गए हैं, ठीक है, तो लोड डिफाइन हमने कर लिए। उसके बाद अभी हमने स्लैब जोन से है वो नहीं डिफाइन की, तो अभी हम पहले स्लैब जोन से है वो लगा लेंगे। मैटरी प्लेट यहाँ पर, स्लैब डिफाइन कर ली हमने, तो स्लैब का हम पहले मटेरियल भी यहाँ पे डिफाइन कर दें, इसकी थिकनेस ये कंक्रीट की है 0.1 ऐड कर दिया, तो ये भी हम जो सा वो ठीक है। तो अब हमारी जो सा वो स्लैब भी जो उनसे वो डिफाइन हो गई हम, तो हमने स्लैब के ऊपर लोड लगाना है, तो डिफाइन में जाएंगे हम, यहाँ पे हम जाएंगे, पहले हमने स्लैब के ऊपर डेड लोड जो उनसे हमारा नहीं लगा हुआ, तो सेल्फ वेट ये भी हमने असाइन, इस स्लैब का भी जो उनसे वो डेड लोड ऐड हो गया, ठीक है। तो अभी हमने जो सा है वो इसके ऊपर डेड लोड जो सुपर इम्पोज डेड लोड है हमने उसके ऊपर जाएंगे हम इसका, और यहाँ पर जाके सॉरी डेड लोड में जाना है हमने, ऐड फ्लोर में जाएंगे, यहाँ पर जाके हमारा जो सुपर इम्पोज डेड लोड है हमने वो ऐड करना है यहाँ पर। मैं लेट्स सपोर्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ -2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेंज भी देनी है कि कितनी रेंज से कितनी रेंज तक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 7.5 मीटर है, 7.5 मीटर है, दोनों को ऐड करें तो ये 15 मीटर बनता है, ठीक है। 15 मीटर से हमने इसकी लेंथ ज़्यादा देनी है अगर हमने इन दोनों फ्लोर्स के ऊपर यही सेम डेड लोड लगाना है, सुपर इम्पोज डेड लोड लगाना है, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो इसकी रेंज दे रहा हूँ, मिनिमम रेंज इसकी मैं 1 देता हूँ और मैक्सिमम रेंज इसकी मैं 16 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 16 रेंज दूंगा इसकी मैं, इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो हमें ये असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो इसके ऊपर लग जाएगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये देखें इसके ऊपर ये वाला लोड लग गया। तो उसके बाद हमने भी लाइव लोड ऐड करना है, तो लाइव लोड में जाएंगे, तो लाइव लोड भी जो सा हमारा वो कोड के मुताबिक होता है कि जो हम अगर हम बिल्डिंग जोन से रेजिडेंशियल बना रहे हैं तो उसके ऊपर जो सा है वो अलग लोड आएगा, लाइव लोड कमर्शियल बना रहे हैं अलग आएगा, फैक्ट्री बना रहे हैं तो अलग आएगा। -2 अगर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसकी भी रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली 1 से, सेकेंड रेंज कौन सी है इसकी 16, तो ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, तो मैं इसको असाइन कर दूंगा, ऐड कर दिया, तो ये असाइन हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज़ ये है, अभी ये सभी के ऊपर ऐड होगी, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा डेड लोड है ये मेरा जो
जो उनसे है वो कुछ स्लैब्स के ऊपर असाइन हो, कुछ स्लैब्स के ऊपर ना हो। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो रेंज मैंने 16 लिखी हुई है, मैं इसको कर देता हूँ नीचे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर ना करूँ, मैंने सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पे करूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ 8, ठीक है। तो मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये देखें ऊपर वाले फ्लोर से ख़त्म होकर सिर्फ नीचे वाले फ्लोर के ऊपर आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद हम मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीचे वाले फ्लोर में भी कुछ स्लैब के ऊपर ये लोड ऐड करूँ, कुछ स्लैब्स के ऊपर ये लोड ऐड ना करूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब ये देखें एक्स रेंज है, ठीक है। एक्स रेंज मीन्स के इधर को मैंने रेंज सेलेक्ट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 6 मीटर है। मैं कह रहा हूँ कि 0 to 6 मीटर, 0 to 6 मीटर, ठीक है। तो ये देखें हमने यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है ये 0 पर लगा हुआ है, तो 0 से 6 मीटर हम इधर को गए, 0 से 6 मीटर हम इधर को गए। तो ये देखें इस स्लैब के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब ये कॉर्नर वाली स्लैब के ऊपर लगे, बाकी किसी स्लैब के ऊपर ना लगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब अगर एक्स डायरेक्शन में देखें तो एक्स डायरेक्शन में हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 6 से स्टार्ट करना है। 6 से स्टार्ट किया हम 12 तक गए, यहाँ से भी हमने 6 से स्टार्ट किया और हम 12 तक जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से इस वाली स्लैब के ऊपर आ गए। इस तरह हम रेंज सेलेक्ट करके हम ये लोड जोन से हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रेंज भी हो गई। तो अभी मैं इसको जोन सा है वो 0 कर रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा रेंज को समझना था कि हम रेंज को किस तरह से यूज़ करके सेपरेटली हर फ्लोर के ऊपर, हर स्लैब के ऊपर सेपरेटली लोड लगा सकते हैं। तो इस तरह हमारे अब ये लोड लग गया, लोड कम्बिनेशन भी हो गया। तो अब हम मूव करेंगे एनालाइज करने की तरफ। तो एनालाइज करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे एनालिसिस एंड प्रिंट पर, नो प्रिंट ऐड करेंगे एंड देन क्लोज कर देंगे, ठीक है। परफॉर्म एनालिसिस, तो ये देखें हमारे ये जितने भी जो एनालिसिस हमारा ये रन हो गया। तो मैं इसको डन करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें इस तरह से हम जो है वो एनालिसिस रन कर सकते हैं।